दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में रविवार की दोपहर चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें आर्यभट्ट कॉलेज में पढ़ने वाले 19 साल के निखिल की हत्या कर दी गई थी। ये वारदात एक लड़की के साथ बदतमीजी करने और फिर उसका विरोध करने में हुई, जिसमें छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दो छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक लड़का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, जो निखिल के साथ पढ़ता था। पिछले रविवार को जब निखिल का कॉलेज में झगड़ा हुआ था, तब पहले एक छात्र ने निखिल की गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मार दिया था। इस बात को लेकर निखिल ने उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी थी। उस वक्त छात्र निखिल को देख लेने की धमकी देकर वहां से चला गया था। कल रविवार को वो तीन साथियों के साथ निखिल की हत्या करने के लिए कॉलेज पहुंचा था और वहीं झगड़े के दौरान निखिल के सीने में चाकू मार दिया। निखिल को जब तक अस्पताल पहुंचाया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। निखिल के पिता संजय मीडिया से बात करते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा, पुलिस ने हमें कुछ नहीं बताया, बल्कि निखिल के दोस्तों ने कॉल करके पूरी बात बताई। कुछ भी नहीं दिखाया अभी तक, हमें कुछ बताया ही नहीं है, कुछ भी नहीं बताया अभी तो हमें, न बात हुई हमारी। कल कब पता चला क्या ऐसा है? कल 12 बजे फोन आया था हमारे पास, थाने से नहीं आया था, बच्चों को आया था, जो बच्चे हॉस्पिटल ले गए थे उनका फोन आया था। कुछ दोस्त मिले हो जिन्होंने देखा हो, आपसे बात की हो? यही दोस्त खड़े हुए हैं, इन्होंने बताया था, यही हॉस्पिटल ले गए थे 5 जने, रात भर ही नहीं बैठा रखा था उन्होंने। कोई बात नहीं हुई है सर, सब कोई बात नहीं हो रही है। हमारे आईयू साहब के सुरेंद्र सिंह, उन्होंने फोन मारा तो फोन बंद कर दिया उन्होंने। मनोज सी, DCP साउथ वेस्ट दिल्ली ने इस घटना में शामिल दो व्यक्तियों की पहचान की है, जिसमें पहला व्यक्ति राहुल है, जो BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, और दूसरा व्यक्ति हुरेन है, जो कि कॉलेज छोड़ चुका है। कल संडे 18 तारीख को दोपहर में 1:30 बजे PA साउथ कैंपस की एक PCR कॉल मिली है। चरक पालिका हॉस्पिटल से एक MLC साथ में आई है PCR कॉल, जिसमें एक व्यक्ति को चाकू लगी हुई है, वो आर्यभट्ट कॉलेज से आया। जब पुलिस हम वहां पहुंचे, हमको पता चला एक निखिल चौहान नाम के एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की, उसकी चाकू लगी। जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें किया, उसमें पता चला था एक हफ्ते के पहले निखिल चौहान और दूसरे साइड में एक राहुल और यश, ये दोनों ग्रुप के बीच में किसी बात के लिए झगड़ा हुआ। उस झगड़ा की रिवेंज लेने के लिए कल वापस ये राहुल, यश और बाकी लोग आए और निखिल चौहान के साथ में झगड़ा हुआ, इस वजह से इनकी चाकू भी लगी। अभी हमने इसमें दो गिरफ्तार कर लिया है, जो राहुल है और उसके साथ में एक और दोस्त जो एसोसिएट है हरुण है, उसको अभी अरेस्ट कर लिया है। बाकी भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बाकी को भी हम अरेस्ट करेंगे।